इस मूवी को देखकर मुझे अपने बचपन की बहुत ज़्यादा याद आई कि कैसे मैं ये जो कार्टून देखा करता था तो इस कार्टून को देखने के लिए कैसे अपनी माँ से मैं झूठ बोल दिया करता था कि आज स्कूल की छुट्टी है, और क्योंकि मुझे वो कार्टून देखना होता था, और बाद में मेरी पिटाई भी बहुत हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ द स्पॉन्ज बॉब मूवी, स्पॉन्ज ऑन दी रन मूवी के बारे में। दो बार मूवी मूवी हो गया क्या। इस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, इसे डायरेक्ट किया है टिम हिल ने। वैसे कुछ ऐसे शो होते हैं, ऐसे कार्टून शो होते हैं या कुछ एनिमे सीरीज या एनिमे मूवीज होती हैं जिसे देखकर हमें हमारे बचपन की याद आ जाती है कि तब हम ऐसी मूवी या ऐसी सीरीज देखा करते थे और हमें अपने बचपन में लौटने का मन करता है। बट यार वो ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता। खैर, जो चीज़ें हमने हमारे बचपन में की वो काफ़ी अच्छी थी, और आज की डेट में अगर हम वो चीज़ें याद करते हैं तो एक चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं ये मूवी देख रहा था। तो अब थोड़ा सा इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मूवी की कहानी पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इसके अंदर जो करेक्टर है, एक तो स्पॉन्ज बॉब है उसका दोस्त पैट्रिक, और इन दोनों की एक और दोस्त है सैंडी जो एक गिलहरी है, मतलब पानी के नीचे रहते हैं एक बिकनी बॉटम नाम के शहर में। और स्पॉन्ज बॉब का एक बॉस है, शायद उसका नाम मिस्टर क्रैब है, हाँ यही नाम है। और स्पॉन्ज बॉब और पैट्रिक इन दोनों का घर साथ ही साथ है, और इसी के घर के बीच में, इन दोनों के घर के बीच में एक और घर है जो इन्हीं के दोस्त दोस्त तो क्या कहूँ यार, वो अपने आप को इनका दोस्त नहीं मानता बट टाइम आने पर अपने आप को इनका दोस्त कह भी देता है। ऑक्टोपस होता है, उसका नाम क्या है, आई थिंक उसका नाम स्क्विडवर्ड है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद यही नाम है। इस मूवी के अंदर ज्यादातर वो चीजें दिखाई गई हैं जो पुराने शो में जब हमें दिखाई जाती थी, वही चीजें। एक ये जो जंतु है, मुझे नहीं पता ये कौन है, मुझे तो इसका नाम भी याद नहीं है। चलो छोड़ो यार, तुम्हें समझ भी गए होगे ये कौन है। इसका एक ही काम होता था, ये पेटी पेटीज आई थिंक ये नाम है, इस पेटीज की जो है वो रेसिपी चुराने का इसका मेन काम होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा सीक्रेट रेसिपी होती थी जो मिस्टर क्रैब के रेस्टोरेंट में बनता था, तो उसकी रेसिपी चुराना इसी के अंदर भी जारी रखा गया। और इसे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा यार, क्योंकि वही पुरानी बातें याद आ जाती थी कि यार इसे देखकर मैं बहुत ज्यादा इंजॉय किया करता था इस शो को, काफी ज्यादा यूनिक और कॉमेडी होती थी उस टाइम में। तो स्पॉन्ज बॉब का एक दोस्त है, दोस्त क्या कहूंगा इसका, पालतू कहूंगा, बिल्ली की तरह की उसकी आवाज निकालते हैं गैरी, जिसका नाम है, वो एक स्नेल है, और स्नेल ही होगा शायद, उसको पोसाइडन अपने पास ले आता है, किडनैप करवा लेता है। अब ये सब चीजें होती हैं, स्पॉन्ज बॉब उसको पाने के लिए वहां पर उसके महल में जाता है। अब ये देखो यार वो कैसे वापस लाता है, ये सारी की सारी जो जर्नी होती है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजा है ये चीज देखकर। और हाँ यार, इसमें ना बहुत ज्यादा यूनिक आपको देखने को मिलेगा, एक अलग तरीके से कॉमेडी इसके अंदर की जाती है, कुछ अलग चीजें इसके अंदर डाली जाती हैं जो यूनिक बनाती है इस चीज को। अगर तुमने कभी स्पॉन्जबॉब का नाम भी नहीं सुना है तो मैं यार तुम्हें यही कहूंगा कि यार ये मूवी जाकर देखो। और इस मूवी के अंदर जो, इस मूवी के अंदर क्या है, जो शो जो स्टार्टिंग से मैंने देखा था, तो इसके अंदर पैट्रिक और स्पॉन्जबॉब की जोड़ी है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि यार ये दोनों जिगरी दोस्त हैं और डम्ब है एक नंबर के, इनको खुद नहीं पता ये कर क्या रहे होते हैं। और जो इनकी कन्वर्सेशन होती है ना यार, वो दिल छू जाती है, मतलब ऐसी नहीं कोई वो आपको मोटिवेट कर देती है, बट यार बहुत मजा आता है उनकी कन्वर्सेशन सुनकर, और उनके जो एक्शन है वो देखकर काफी ज्यादा इंजॉय करता हूं मैं। तो ये पूरी मूवी देखते समय मुझे एक चीज का ये एहसास हुआ कि इसके मेकर्स ने शायद ये मूवी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई है जो इस शो से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और उनकी यादें ताजा करने के लिए मूवी बनाई गई। और अच्छा लगा यार ये मूवी देखकर, अच्छी लगी इसके साथ एक नई कहानी देखकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली इस मूवी को देखकर। और मुझे जहां तक याद है कि निकलोडियन के ऊपर मुझे यही शो पसंद आता था, और इसमें जो हिंदी हिंदी में आया करता था, और जो डबिंग होती थी स्पॉन्ज बॉब की वो काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी थी उस वक्त की, मुझे याद है। और जब मैंने मूवी देखनी शुरू की तो मुझे यही उम्मीद थी कि यार मुझे वो वाली डबिंग मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, मतलब उम्मीद तो मैं उसी टाइम की लगा रहा था, बट हमारी उम्मीद पर यार थोड़ा समझ लो कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो वाली हमें डबिंग नहीं मिलती, वो सुनने को नहीं मिलता। बट अगर कंपैरिजन करूँ कि इंग्लिश में इसके अंदर कितने कितना डिफरेंस किया गया है, काफ़ी अच्छी डिसेंट मुझे डबिंग लगी। बट उस टाइम के अगर आप निकलोडियन देखते आए थे कि भी आप, मतलब आपने कभी निकलोडियन पे स्पॉन्जबॉब देखा था और आप सोच रहे हो कि यार वो वाली डबिंग इसके अंदर मिल जाएगी, तो नहीं यार वो वाली इसके अंदर नहीं मिलेगी, वो आपको वॉइस इसके अंदर नहीं मिल सकती, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी इसके अंदर जो कॉमेडी थी उस टाइम की डाली गई है, कुछ ऐसे सीन जो है वो हमने उस टाइम देखे थे पुराने टाइम में, वो इसके अंदर एज इट इज रखे गए हैं, और मतलब समझ लो यार इसको एज ए याद के तौर पे मैंने मतलब अपने दिल के अंदर रख रखा है। वैसे आप लोगों को पता भी हो तो कि एक PS4 के ऊपर 6 महीने पहले, करीबन 6 या 7 महीने पहले एक गेम भी आई थी स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट के नाम से, काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी थी। देखो यार मुझे नहीं पता कि वो खेली कैसे जाती, क्योंकि मेरे पास PS4 नहीं है, और जिनके पास PS4 या फिर प्ले स्टेशन नहीं होता तो वो क्या करते हैं, वो PS4 की अनबॉक्सिंग या फिर PS5 की अनबॉक्सिंग यही देखकर अपना अपने दिल को बहलाते रहते हैं कि यार यही देख ले, इसी से काम चला ले, और मतलब फिर कभी आएगा तब देखेंगे, और अगर गेम देखनी है तो बस उसका गेम प्ले देख लो, मतलब तुम समझ रहे हो ना भावनाएं, मतलब कैसे ना कैसे करके तो कंट्रोल करनी पड़ती थी। चलो छोड़ो छोड़ो, बैक टू दी स्टोरी आते हैं। काफी देखो मैं फिर से कहना चाहूंगा,
काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी, कॉमेडी भी इसके अंदर है। और जिन्होंने स्पॉन्ज बॉब निकलोडियन के टाइम, मतलब निकलोडियन पे जब आया करता था, अब मुझे नहीं पता वो निकलोडियन आता है नहीं आता, आई थिंक नहीं आता है, कार्टून नेटवर्क की बचे है और उसके ऊपर भी अजीबोगरीब कार्टून चलते रहते हैं। और जब निकलोडियन आता था, अगर आप उस टाइम इसको देखा करते तो मैं कहूँगा यार आपको डेफिनेटली ये मूवी देखनी चाहिए, आपको आपके बचपन की याद आने वाली है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और आपको अपने बचपन की कौन सी बातें याद आ गई। अगर जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखो यार, काफी अच्छी मूवी है। इवन आपके बच्चे, आपके मतलब अब तो काफी बड़े हो गए होंगे क्योंकि बहुत टाइम पहले आया करता था, आपके बच्चे भी हो गए, उनको भी बैठ कर अपने साथ बिठाकर उनको भी ये मूवी दिखाओ। कुछ गलत सीन बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी है, काफी अच्छी है, तो उनके साथ बैठ कर देखो, काफी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।